कोई भक्ता है जिसके अंदर राम के प्रति आस्था है, उसके अंदर महावीर भगवान दिगंबर साधु प्रति आस्था जरूर होगी, क्योंकि राम में दो अक्षर हैं, राम और मां। कौन से अक्षर हैं? राम और मां। कमल सिंह जी, राम और मां ये संकेत करता है कि राम को मानने वालों, राम में हम 24 तीर्थंकर समाये हैं, रा से ऋषभनाथ, मां से महावीर पर्यंत भगवान बनाए। 26 तारीख के बाद अपन समय निकालेंगे, अनुकूलता रही तो वचन तो नहीं, प्रवचन मात्र, दो या तीन दिन का अपन कहीं स्थल पे यहां पर कहीं राजस्थान देखेंगे, अच्छे प्रचार प्रसार के साथ, जैसे भागवत गीता होती है, अंत इतना भागवत गीता में संगीत चलता रहता है, हमारा संगीत नहीं चलेगा, हम ही संगीत चलेंगे, पर राम कथा ऐसे करेंगे। विश्वास करना तीन दिन की, जो भी नगरवासी जहां जहां के ग्रामवासी आएंगे वो कहेंगे अभी तक तो हमने जो राम कथा सुनी वो अधूरी सुनी, लेकिन जो हमने मुनिराज दिगंबर साधु के मुख से सुनी वो वास्तविकता में सुनी। तो लगेगा उनके जैन साधु भी राम कथा करते हैं क्या, हमसे लोग पूछते हैं राम को मानते हो क्या, मैंने कहा जो राम को मानता है वो इंसान, जो राम को नहीं मानता वो इंसान ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। मेरे राम तो बड़े एक श्रद्धा में बसे हुई है, अंदर वैसे रोज मैं प्रणाम करता हूँ। कल ही मैंने हरदुआ, परसों हरदुआ में प्रवचन हुए थे, क्या मैंने याद है क्या नहीं, मैंने कहा था राम और हनुमान को भी वहां स्टैंड में प्रवचन हुआ था मेरा प्रवेश के दिन, मैंने रोज प्रतिदिन दो टाइम तीन टाइम डेली राम हनुमान को नमोस्तु करता हूँ, प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। रामचंद्र मेरे ऊपर कष्ट आते हैं, कोई भी समस्या आती है या कष्ट आए, मैंने राम से प्रार्थना की भगवान जैसी आप में शक्ति रही, जैसी आप में संता बनी रही, मेरे ऊपर भी वही संता आ जाए, मेरे अंदर वही भाव बना कर। क्योंकि रामचंद्र ने बहुत सा, सीता ने बहुत सा, सीता ने लो सीता जी, आप लोगों ने देखा हो सीता की रामायण देखी हो, जब दोनों बच्चे यानी लव कुश सीता ने जन्म दिया था जंगल में, करेंगे चर्चा बाद में, अभी नहीं, अभी तो मात्र टेलर, अभी तो मात्र टेलर पिक्चर पूरी बात में, क्योंकि कुंवरपुर में बिना राम कथा के सुनाए मैं कुंवरपुर से बाहर।